स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। आंसर ए महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: महिंद्रा ने महाराष्ट्र में 150 मेगावाट की हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा परियोजना में 1200 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य 460 मिलियन kWh स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। ये पहल महिंद्रा सस्टेन के हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है, जो 420,000 टन CO2 उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। ये परियोजना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी सहस्थित हाइब्रिड पहलों में से एक है। अगला प्रश्न: स्काईट्रैक्स अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला? ए दुबई हवाई अड्डा, बी हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा, सी चांदी हवाई अड्डा सिंगापुर, डी इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। आंसर बी हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। एक्सप्लेनेशन: दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया। हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर चांदी हवाई अड्डे को पछाड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी जीता। भारत का दिल्ली एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में 36वें नंबर पर रहा। अगला प्रश्न: इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी के फटने से वहां के लोगों को निकाला गया? ए माउंट अगुन, बी माउंट रीजनी, सी रुआंग ज्वालामुखी, डी माउंट मेरापी। आंसर सी रुआंग ज्वालामुखी। एक्सप्लेनेशन: इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रांत में मौजूद रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। राख और धुआं 19 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुंच गया। सुनामी की आशंका पैदा हो गई। 800 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अगला प्रश्न: लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए A.R. रहमान, बी श्रेया घोषाल, सी अलका याग्निक, डी अमिताभ बच्चन। आंसर डी अमिताभ बच्चन। एक्सप्लेनेशन: हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन को इस साल होने वाले तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा 16 अप्रैल 2024 को मुंबई में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। मंगेशकर परिवार ने लता मंगेशकर की याद में वर्ष 2022 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न: T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ए शिखर धवन, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा, डी MS धोनी। आंसर सी रोहित शर्मा। एक्सप्लेनेशन: रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बनकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच के दौरान रोहित ने T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की। मौजूदा सूची में क्रिस गेल शीर्ष पर है, जबकि किरण पोलार्ड 660 मैचों में 860 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है।